तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 127, इसमें अपन को क्या दिया है, एस पी दिया है, वैसे एस एन देता है, बस वेरिएबल चेंज हुआ है इसमें। तो कितना दिया है, ए पी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। और अपन को क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर अपन फाइंड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस होता है डी। डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। तो ए वन निकालेंगे पहले, फिर ए टू निकालेंगे। तो ए वन कितना हो जाएगा, एस वन की इक्वल, तो इसमें अपन वन पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। पी की जगह वन रखना है, तो क्यू की जगह आप मत रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी क्यू, ठीक है। तो ये हो गई ए की वैल्यू, ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए टू। तो ए टू फाइंड करने से पहले अपन एस टू फाइंड करते हैं। एस टू क्या होगा, इसमें पी की जगह टू रख दो, तो ये हो जाएगा ए इंटू टू का स्क्वायर प्लस बी क्यू, विच इज फर्दर इक्वल टू 4a प्लस बी क्यू। तो ये आ गया एस टू। अब अपन, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस टू इज इक्वल टू क्या होता है, ए वन प्लस ए टू, फर्स्ट टू टर्म्स का समीशन। तो अपने पास क्या है, एस टू है, ए वन है, अपन ए टू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो ए टू क्या हो जाएगा, एस टू माइनस ए वन, विच इज फर्दर इक्वल टू, एस टू कितना आया है अपना, बी 4a प्लस बी क्यू। ए वन कितना आया है, ए प्लस बी क्यू। तो यहां से अपना ए टू कितना आ जाएगा, ए टू आ जाएगा अपना बी क्यू से, बी क्यू कट जाएगा, और 4a माइनस ए, विच इज फर्दर इक्वल टू 3a। तो अपने पास ए टू आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी कितना हो जाएगा, तो अपन को डी निकालना है ना, तो डी हो जाएगा अपना ए टू माइनस ए वन, विच इज फर्दर इक्वल टू, अगर अपन इसमें ए टू रखेंगे कितना है, 3a है, और ए वन कितना है, ए प्लस बी क्यू, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी क्यू। तो यहाँ से कितना आ गया, 2a माइनस बी क्यू, तो ये हो गया अपना डी, विच इज फर्दर इक्वल टू आर आंसर, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, 2a माइनस बी क्यू।